सारी बातें की जा रही, बोले जा रही, मुंह में ये वो। जैसे ही वो आया कि जी मुंह ढकना शुरू करो, एक आदमी आया वो उससे मुंह ढकने की कोशिश की, मैं उसका उसको धक्का दिया। मैंने कहा मैं उनसे बात कर रही हूँ, वो भी उठेंगे, और वहां पर हर कोई मुझे देख रहा है, कहते क्या हो गया। मैंने कहा यार प्लीज एक मिनट के लिए आप उठ जाओ, सिर्फ एक मिनट, मैं 30 सेकंड के लिए उठ जाओ, मुझे सिर्फ एक बात करनी है। कि उस दिन मेरे दिल में कोई बात नहीं थी, जब मैंने सोचा कि उनकी आहें जो थी, उनकी जो उनकी जो दर्द की चीखी थी या जो उनकी दर्द की आवाजें थी, मुझे इतना बहुत नहीं कर रही थी उस वक्त, पता नहीं क्या स्टेट ऑफ माइंड था। और मैं आपको टाइम देना चाहती थी, लेकिन ये हो गया, आई वांटेड टू गिव हिम दैट रीजन, और वो बगैर रीजन सुने हुए वो इस दुनिया से चले गए। एंड आई जस्ट वॉन्टेड दैट वन मिनट। और आप जो भी लोग देख रहे हैं, आई हैव बीन, सब समझते थे उरूज तो कभी रो नहीं सकती, शी इज अ कोल्ड हार्टेड, जब भी कोई आता है तो उरूज, कोई केस आता है तो उरूज को कभी फीलिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। यू वोंट बिलीव एवरी डे आई एम सफरिंग फ्रॉम इट। एंड इसलिए नहीं कि मुझे कोई दर्द इस तरह का नहीं, अबू ने बहुत हेल्प की मेरी, एक्चुअली मेरे अबू ने मुझे उस एक डिल्यूजन से निकाला कि वो दुनिया में नहीं है, वो जिंदा है, घर का एक रह गया। लेकिन वो कंसल्टेशन, यू नो, आई हैव स्टॉप्ड मेकिंग फ्रेंड्स, आई हैव स्टॉप्ड डूइंग कंसल्टेशन विद पीपल। यानी अगर मुझे कहीं कोई काम नहीं करना है तो मैं स्केप कर जाऊंगी, लेकिन मैं बोल नहीं सकती उसको, मैं उसको ये नहीं बोल सकती। अब्बू मुझे कोई काम करेंगे, मैं अब्बू को ये नहीं कह सकती मैं ये काम नहीं कर सकती। अब्बू मुझे प्रेशराइज क्यों नहीं करेंगे, वो नहीं सुन भी लेंगे, लेकिन वो नहीं बोलना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया कि जैसे कि मैं उनको खो दूंगी, मैं हर चीज खो दूंगी। फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ लॉस इज सो मच। और वो उनका जो एक मिनट, आप मैं सब कुछ बात बता रही हूँ, जिस तरह अब्बू ने कही एक बात की, उनको उनके वालिद पीछे मुड़ते तो उनके वालिद उनके लिए दिए। और मैं जिंदगी में शायद पीछे मुड़ू, मेरे लिए बहुत सारे लोग हैं, मेरे वालिद हैं, माया है, मेरे घर वाले सब है, लेकिन मेरे पास वो एक मिनट नहीं है। अपनी जिंदगी में सब कुछ है, पैसा है, शौहरत है, सब कुछ है, लेकिन वो एक मिनट जिसके लिए मैं रोती रही। और आज तक मैं विश करती हूँ समवेयर इज लिसनिंग टू दिस शो, प्लीज। आई रियली डिडंट मीन एनीथिंग, मुझे नहीं पता था उसमें मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में थी, मैं बच्चा होकर अपने आपको छुड़ा सकती हूँ, मुझे पता है आप मुझे माफ भी कर दोगे, बट आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे याद है उरूज की ये हालत हो गई थी कि वो इतनी इनसिक्योर मेरी तरफ से हो गई थी, ये फैक्ट बता रहा हूं कि हम ट्रेवल कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान हम जाते हैं वर्कशॉप कराने, मैं वॉशरूम में हूं, ये वॉशरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी होती है, कितनी बड़ी लड़की, अभी भी कभी कभी इस पे दौरा पड़ता है, उस फियर का अचानक से मुझे इस तरह से जाते और आप ठीक है, हाँ, हाँ। आप खैरियत से, मैंने कहा मुझे बस खांसी नहीं, आप अपना ख्याल, इसको क्या हुआ, वॉशरूम के बाहर खड़ी होती है, आई डोंट नो इसका एक्सप्रेशन, कहते हो तुम क्यों खड़ी हो, नाउ आई कैन रिलेट, अब क्यों खड़ी हो। अच्छा, बीच में बड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड मेरी लाइफ में आया वर्कशॉप के हवाले से, बहुत इंटरनेशनली बहुत वर्कशॉप कर रहा था, जरा सा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम एहसान है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, पर जरा सी तबीयत सर में दर्द होता उठा के मुझे हॉस्पिटल ले जाती और वहां बैठी रहती, भाई क्यों बैठी हो। मेरा एक टेस्ट होना था, सिंपल सा था, वो शुगर क्लियर टेस्ट हो गया, उसके लिए मुझे हॉस्पिटल में रात को रखा गया। मैंने कहा तुम घर जाके सो जाओ, ये बंदी पूरी रात उस कमरे के बाहर, वो अटेंडेंट कहते हैं बीबी आप जाओ, वो वहां बैठी है। मैंने कहा क्यों बैठी हो, अब चूंकि एक चीज लूज कर चुकी है, खौफ आ अब इसको ये कि उसके बाबा को कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए। अच्छा, ये चीज कई घरों के अंदर है। अब उरूज ने जो बात बताई, मैंने जो बात बताई, अब इसका क्या हाल है ये तो मैं एंड में बताऊंगा, मगर मैं ये चाहता हूं कि लोग इस बात को समझें कि हर शख्स जो कामयाब है या जिंदगी में कुछ कर रहा है, बहुत टूट फूट हुई है उसकी जिंदगी में, तभी वो आज कामयाब है। अगर टूट फूट ना होती, अगर आपको जिंदगी मिलती आराम से, जिंदगी कुछ मिलता तो कम्फर्ट जोन में से कोई ना कहीं ना हो, बिल्कुल कहीं ना हो, स्ट्रगल करके हम निकले हैं। और मैं तो आज ये कहता हूं कि आज मैं अगर रिश्ते जोड़ता हूं, इस सैरिज की तरह नहीं, मैं रिश्तों के तनाजे जो होते हैं वो रिजॉल्व करता हूँ, लोगों को हेल्प करता हूँ। मसीहाई की ये सलाहियत इसलिए आई है कि मैंने ये दुख देखा है अपनी जिंदगी। हमारा हमारे प्रोग्राम की एसोसिएट प्रोड्यूसर और मैं डॉक्टर साहब और उरूज की तरह बहादुर तो नहीं हूँ कि इतना सा बयान कर सकूं, लेकिन एक खला जो मेरे नजदीक मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा है वो मेरे फादर का है। दस साल पहले वो उनका बाईपास हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक थे। जब यहां से घर से जा रहे थे वो, तो मैं नहीं बयान कर सकती कि उनकी कंडीशन क्या थी। वो जा रहे थे बिल्कुल सही थे, भाई थे साथ उनके, ताया थे साथ, उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, बाईपास था, नॉर्मल होता है।
वो लेट कर रहे थे, कभी इधर बैठ रहे थे, कभी उधर बैठ रहे थे, टाल रहे थे, लाइक वो घर को यूं चारों तरफ. और मैं चूंकि अपने फादर की अकलौती बेटी हूँ, हम दो ही बहन भाई हैं, भाई और मैं, तो मैं उनसे सबसे ज्यादा मैं उनसे क्लोज थी, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा. वो रुकते थे, बैठते थे, फिर कहते थे अच्छा पानी दे दो, फिर सब, अब बाहर गाड़ी खड़ी है, वो वेट कर रहे हैं, सब आ जाएं, चचा जान आ जाएं, भाई कह रहे हैं पापा आ जाएं, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ. अच्छा, अंदर कमरे में गए, अपनी दवा निकाली, दवा लेकर बैठ गए, वो खाने लग गए, फिर कमरों को देखने लग गए, फिर अपने रूम को देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, मतलब वो मुसलसल लेट किए जा रहे थे. शायद उनको ये था कि शायद मैं वापस ना हूं, मुझे अब ये फील होता है, शायद उनको ये था कि पता नहीं मैं, मेरा बाईपास कैसा होगा. गए वो यहाँ से, खूब हम लोग पीछे था, खैर मैं सबसे ज्यादा रोई जैसे रोती बहुत ज्यादा. अब सब चुप करा रहे हैं, बाईपास हुआ, ठीक ठाक हो गया, बिल्कुल सही हो गए, 3-4 दिन बाद वापस आ गए. ठीक 19 दिन बाद उनको घर में ही बैठे बैठे अचानक से हाथ ढीला पड़ा, उठे हैं, बैठे हैं और एकदम गिर गए सोफे के ऊपर. उनपे पैरालिसिस का अटैक हुआ, एक साइड पे उनकी विद, उनके ब्रेन में जबान के साथ उनके, I'm sorry. उस वक्त तुम कहां थी बच्चा? उस वक्त तुम कहां थी? भाई थे सामने और मैं दूसरे रूम में थी. भाई ने आवाज दी मुझे, फौरन लेकर गए उनको हॉस्पिटल. डॉक्टर्स ने बता दिया, कहा कि वो तो भाई ने भी देख लिया था, भाई बड़े थे, मैं छोटी थी उस टाइम. भाई ने देख लिया कि इनको, उठे हैं, उठ के बैठे हैं, फोन को एकदम पकड़ा है उन्होंने, उठाया है, बस एक हाथ से काम करना उन्होंने शुरू कर दिया. उनका माइंड शायद, उनका दिमाग शायद बहुत ज्यादा चलने लग गया था, बहुत ज्यादा. एक साइड उनकी काम नहीं कर रही थी, वो बोल भी नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने बराबर पड़े हुए टेलीफोन को उठाया है और उठा के अजीब अजीब नंबर मतलब घुमाने लग गए, कभी टेलीफोन को चेक करने लग गए और भाई की तरफ देखने लग गए, जैसे बंदा पहचानता नहीं है किसी को, बिल्कुल नहीं पहचान रहे थे. वो भाई देख रहे थे और भाई को बिल्कुल ऐसे देख रहे थे जैसे अननोन कोई बंदा नहीं आ जाता सामने, कोई इंसान आ जाता. अम्मी को आवाज दी, पानी लेकर आई मैं भागकर, मगर पानी जब उनके मुंह में मैंने डाला है तो वो एक साइड से उनके गिरने लग गया है. बस उसका हाथ पकड़ लो, उसका हाथ पकड़. उसके बाद डेथ हो गई? उसके बाद मेरे पापा 10 साल जिए हैं इसी कंडीशन में. हॉस्पिटल लेके गए हैं, डॉक्टर ने कहा कि शायद डॉक्टर से ही कुछ हुआ, पता नहीं, शायद उनके साथ होना था. उनके डॉक्टर ने उनको ये कहा कि शायद कुछ ऐसा क्लॉट रह गया है बाईपास के दौरान, जो है उनके ब्लड के अंदर जो है सर्कुलेट करके उनके माइंड में आ गया है, दिमाग में आ गया है. लेकिन अब ये मुश्किल है ठीक हो, लेकिन इनकी विल पावर है कि अगर ये सही हो जाए. बहुत किया, फिजियोथेरेपीज बहुत ज्यादा, सब कुछ हुआ. वो उठते थे, खड़े होते थे और फिर बैठ जाते थे, हर 3-4 महीने बाद यही होता था, डेली सब कुछ करने के बावजूद. उस वक्त स्कूल में थी, कॉलेज में आई, यूनिवर्सिटी, काफी कंडीशंस खराब हुई, लेकिन वही बात के भाई होते थे ज्यादा हॉस्पिटल में, कभी मैं कभी भाई, मोस्टली अम्मी और भाई ज्यादा वहां पर होते थे. भाई उस वक्त MBA कर रहे थे और उनका अभी नया नया एडमिशन हुआ था, वो सारी रात हॉस्पिटल रहते थे पापा के पास और सुबह अपने एग्जाम के लिए चले जाते थे, वहां से फिर वापस आते थे लंच लेकर उनके लिए. खैर ये कंडीशंस रही. 10 साल में 2-3 बार उनको मेन अटैक्स ऐसे हुए पैरालिसिस के अगेन, लेकिन जब वो गए हैं तो उनके ब्लैडर में
कैंसर ग्रोथ कर चुका था। अल्लाह अकबर। हुसैन जात, सुहेल मेरा भाई, हमारे शो का सीनियर प्रोड्यूसर, बहुत मजबूत लड़का, किसी इसके लिए जिंदगी में कोई मुश्किल है ही नहीं। अगर आप बताऊं, ये शेर है हमारा, मैं इसके अलावा बताऊं कुछ भी बात हो, शेर ही हो गया, बहुत फिक्र ना करा हो जाएगा, फिक्र ना करें, टेंशन ही कोई नहीं। लेकिन सुहेल और मैं अक्सर एक ही रिश्ते को याद करके अपने दिल हल्के कर लेते हैं, और वो है हमारा रिश्ता हमारे बाबा से, जिसके साथ हुआ। मैं सुनती हूं, जब जब सुनती हूं बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि मैं वो दर्द महसूस कर सकती हूं। अपने सामने अंदाजा हो रहा हो कि कोई जा रहा है तो समझ में आता है, या उसको जाते हुए देख लें तो समझ में आता है, या उसको जाते जब वो सुपुर्द खाक किए जा रहा हो तो समझ में आता है, हिम्मत आ जाती है। कि अचानक अचानक अगर कोई चला जाए, जिंदगी भर सब्र नहीं आता। शरी बाबा के बारे में तो मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा, मैं पकड़ लेती हूँ, तुझसे नहीं पकड़ जाए, छोड़ दे। टीवी चैनल में था एक, वहां से स्विच करके एक दूसरे टीवी चैनल गया लाहौर। मुझे नहीं पता था कि बाबा से, बाबा के मरने से पहले इतना दूर चला जाऊंगा उनसे। बहुत कुछ दिया जिंदगी में, पहनना ओढ़ना हर चीज। मैं शायद अपनी कब्र में भी लेट जाऊंगा तो मैं बाबा को नहीं भूल सकता। मैं लाहौर गया, लाहौर जाने के बाद, लाहौर जाने से दो दिन पहले मेरी बाबा से एक बात पे लड़ाई अक्सर हम लोगों की होती रहती थी। जब हम लोग बड़े हुए तो पता नहीं चला कि कब बाबा एक दोस्त अच्छे भाई बन गए, वरना मेरे वाले साहब ऐसे थे कि हम उनके सामने खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, लाहौर जाने के बाद जो है बाबा से मेरा फटा हुआ जब, तो मेरी सुबह में फ्लाइट थी और मैंने बाबा से, मेरी शादी की तैयारी भी चल रही थी बीच बीच में, दो महीने बाद मेरी शादी थी, मैंने बाबा से बात नहीं की और मैं लाहौर चला गया। सुबह उठा, 7 बजे फ्लाइट थी मेरी, लाहौर गया हूँ। लाहौर जाने के बाद मैंने फोन करके घर पे बताया मैं पहुंच गया हूँ। फिर काम में इतना ज्यादा मसरूफ हो गया मैं। बाबा की डेथ से पहले कुछ ऐसी चीजें हुई मेरे साथ कि अब मैं याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाकई मेरे लिए कयामत से कम नहीं थे वो दिन। 4-5 दिन पहले मुझे इतना शदीद बुखार हुआ लाहौर में, लाहौर में रिलेटिव थे लेकिन किसी के ऊपर डिपेंड, क्योंकि हमारी टाइमिंग प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा आउट होती थी। मैं रात को 11 बजे घर जाता था, 12 बजे घर जाता था। मुझे वहां पर शदीद बुखार हुआ कि मैं शो कर रहा था तो अंदर कंट्रोल रूम में इक्विपमेंट की वजह से एसी बहुत ज्यादा तेज चल रहा था, मैं पूरा कपकपा रहा था लेकिन मैं काम कर रहा था। रात को 2 बजे मैं वहां से फारिग हुआ, एक ऑटो में बैठा हूँ, शिमला पहाड़ी पे ऑफिस था हमारा। ऑटो में बैठ के मैं ऑटो वाले को मैंने बोला, यार मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे नहीं पता हॉस्पिटल कहाँ पर है, डॉक्टर कहाँ अच्छे बैठते हैं, मतलब मुझे शदीद बुखार हो रहा है, मुझे किसी भी हॉस्पिटल लेके चले जाओ। वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया है, डॉक्टर को मैंने जाके चेकअप कराया और मैंने बोला यार मुझे सुबह अलर्ट खड़ा होना है, मुझे कोई ऐसी दवा दे दें कि मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाऊं। तो मेरे सुबह में एक पायलट शूट थी, उन्होंने मुझे दवाएं वगैरह दी है, मैं घर गया, मैंने कुछ भी नहीं खाया, कजन के घर पर रह रहा था। डॉक्टर्स ने मुझे कुछ दवाएं बताई कि आपको इस तरीके से खानी है, मैंने कुछ 5 एंटीबायोटिक थी 250 mg की वो एक साथ खाई, क्योंकि मैं बिल्कुल माफ हुआ था, मुझे नहीं पता था दवाएं कौन सी खानी, और जो उन्होंने टेबलेट दी थी वो भी एक साथ खा ली और मैं खा पी के सो गया। रात को मुझे ऐसा लगा कि मेरे ब्लैंकेट जो है किसी ने आग का कोई शोला रखा हुआ है, क्योंकि एंटीबायोटिक थी।
اگلے دن میں صبح بالکل سیٹ فریش اٹھا ہوں.